वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है। वर्षा ऋतु में आप आहार विहार में ये सावधानी रखें तो आपको फायदा होगा। चातुर्मास के नियम भी अन्य वीडियो में आपको बताऊंगी। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। 25 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ और फ़ायदा पहुँचा रही हूँ लोगों को। आप भी मुझसे परामर्श लेने के लिए संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी हुई है, उसके थ्रू ही आपको संपर्क करना है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो वर्षा ऋतु होती है इसमें पित्त का संचय होता है और वायु का प्रकोप होता है, इसलिए ऐसे आहार आपको खाने चाहिए जिनसे आपको फ़ायदा हो सके और इन दोनों का प्रकोप ना रहे। पहले आपको बताती हूँ क्या आपको खाना चाहिए। आपको कोई भी भोजन करते समय स्नेहपूर्ण वातावरण निर्मित करना चाहिए और स्नेहपूर्वक ही भोजन का निर्माण करना चाहिए। इस अवधि में यानी हितकर आहार कौन से हैं हम आपको बताते हैं। पुराना आपको चावल खाना है, जौ खाना है और गेहूं का सेवन आपको करना है। घी व दूध का प्रयोग भोजन के साथ ही करना है। छाछ में बनाई गई बाजरा अथवा मक्का की राबड़ी का सेवन करना है। प्योर छाछ आपको वर्षा ऋतु में नहीं खानी चाहिए। वर्षा ऋतु में दही भी वर्जित कहा गया है। तला हुआ लहसुन आपको खाना चाहिए या रोस्ट किया हुआ लहसुन आप खाते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है। कद्दू का सेवन आपको करना चाहिए, परवल का सेवन आप कर सकते हैं, लौकी का सेवन आप कर सकते हैं, तोरई का सेवन आप कर सकते हैं, अदरक का सेवन, जीरा, मेथी और लहसुन का सेवन स्वास्थ्यवर्धक होता है। उबला हुआ जल प्रयोग में लें। वर्षा ऋतु में पानी में कई अशुद्धियाँ होती हैं, अतः आपको या तो आरओ का पानी पीना चाहिए या उबला हुआ ठंडा किया हुआ पानी या आपको संशोधित जल का सेवन करना चाहिए। इस मौसम में आलू ख़राब भी आते हैं और उगे हुए भी आते हैं, तो इस अवधि में वर्षा ऋतु में आपको आलू का सेवन नहीं करना चाहिए। अरबी का सेवन भी नहीं करें। चावल का सेवन भी भारी होता है, अतः इनका भी सेवन नहीं करना चाहिए। डायरेक्टली तालाब या नदी का जल ना पिएं। बाज़ार में चाट पकौड़ी ना खाएं, क्योंकि वर्षा ऋतु में इन पर बहुत मक्खियां मंडराती हैं। बाज़ार में बना हुआ जूस भी आपको नहीं पीना चाहिए, या पीते भी हैं तो आश्वस्त हो जाएं कि वहां शुद्धता का पूरा ध्यान रखा गया है, तब आप जूस पिएं। वैसे वर्षा ऋतु में जूस नहीं पीना चाहिए। फ्रेश भोजन यूज़ में लेवें, फ्रिज में पड़ा हुआ कई दिनों का भोजन काम में ना लेवें, इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी नुकसान हो सकते हैं। और आपको चाहिए कि ताज़ा बना हुआ भोजन ही आप खाएं, बासी भोजन ना खाएं। वर्षा ऋतु में जिनको सर्दी की शिकायत है उनको भीगने से बचना चाहिए, स्वास्थ्य संबंधी नुकसान हो सकते हैं। किसी भी गीली मिट्टी में कीड़े कांटे हो सकते हैं, तो नंगे पैर कभी भी गीली मिट्टी में ना जाएं या कीचड़ में भी ना जाएं। सीलन युक्त स्थान में नहीं रहना चाहिए वर्षा ऋतु में। कीट पतंगों के लिए मच्छरदानी प्रयोग में लेवें, और जब भी बाहर जाएं आकर हाथ मुँह धोएं, पैरों को साफ करें तो आपको फ़ायदा होगा। जिस नदी की गहराई आपको पता नहीं है, जलाशय की गहराई पता नहीं है, वहाँ तैरने का प्रयास भूल कर भी नहीं करना चाहिए। किसी भी बड़े पेड़ के नीचे जब तेज़ वर्षा हो रही हो, बिजली चमक रही हो, तो आपको उसके नीचे आश्रय नहीं लेना चाहिए। खुले में सोना नहीं चाहिए। रात्रि को देर तक ना सोएं, मतलब जल्दी सो जाएं। अधिक परिश्रम भी नहीं करना चाहिए, और बारिश में फिसलन भी बहुत होती है तो चलते समय आपको ध्यान रखना चाहिए। कई बार चप्पल भी फिसल जाती है तो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो वर्षा ऋतु में ऐसे कपड़े पहने जो जल्दी सूख जाते हैं, ढीले कपड़े पहने तो आपको फ़ायदा होता है। वर्षा ऋतु में घमौरियाँ भी हो जाती हैं, त्वचा रोग भी हो जाते हैं, तो उनको वर्षा ऋतु में स्नान करने से घमौरियों की प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है और त्वचा रोग भी मिटते हैं। तो आज हमने आपको बताया वर्षा ऋतु में क्या क्या करें क्या ना करें। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री, हमारे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है मित्रों। और आप तो जानते हैं मैं इस चैनल पर आपको कैसी जानकारी देती हूँ, तो इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, इससे मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।